हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट ट्यू बाई अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ट्वेंटी फोर सेवन हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा हमसे आप कैसे जुड़ सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या फिर आई ओ एस एप स्टोर पर जाके देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेज सब्सक्रिप्शन जिसके कई ऑप्शन अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज हम सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं एंड सबसे ज्यादा पॉपुलर पैकेज है वो और स्पेशली अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं नीट की आप इलेवेंथ में हो ट्वेल्थ में हो तो उसके लिए तो ये पैकेज सबसे ज्यादा एडवांटेजियस एंड बेनिफिशियल है और आप देखेंगे कि एक साल का पैकेज जो सिर्फ थर्टी थाउजेंड का है उसमें मात्र सिक्स थाउजेंड और ऐड करके आप पा सकते हो पूरे के पूरे दो साल का पैकेज इतना ही नहीं अगर आप मेरा रेफरल कोड लव टेन ये यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस है मेरा नाम लवकिश अवस्थी वास्तव है मैगल यूनिवर्सिटी कैलेन्डर में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है तो अब हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने बहुत सारे टिश्यू सिस्टम देख लिए अब बात करेंगे एपिडर्मल तो जहां भी एपिडर्मिस एपिडर्मल ऐसा शब्द सुनाई पड़े तो आप सीधी सीधी बात जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मैं प्लांट बनाता हूं ठीक है ठीक ये रूट हो गई ये स्टेम हो गई एपिडर्मिस का मतलब आउटर मोस्ट इधर भी आप देखेंगे तो ये बाहर वाली जो ये हो गई ये बाहर वाली ठीक है ये बनाती है एपिडर्मिस हमारी स्किन में भी एपिडर्मिस होता है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपी

हेयर्स, क्या मतलब हुआ? से से ही ही हो हो जा रही है। epidermis से ही कुछ अलग-अलग छोटे-छोटे जो develop हो जाते हैं, हैं। उसको हम बोलते ठीक चलो अब देखो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्राइमरी प्लांट बॉडी अब याद करो प्राइमरी प्लांट बॉडी क्या बताया था जो मेन शूट थी हमारी और नीचे रूट थी ठीक है इट इज मेड अप ऑफ इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेज सेल्स विच फॉर्म अंटिन्यूअस लेर ऐसा नहीं है कि एपिडर्मिस इतनी दूर है फिर गायब हो गई फिर शुरू हो गई ये है तो ये कंटिन्यूस बनाती है लेयर ठीक अब बात आती है एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर्ड तो ये जो है ये एक ही लेयर है ये नहीं कि इतनी मल्टी लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक बनाई जा रही है ठीक है एपिडर्मिस सेल्स आर मोस्टली

प्लांट के अंदर वाटर ज्यादा होता है बाहर कम होगा तो क्या होगा चांसेस है कि ये सेल्स वाटर लूज कर जाए एटमोस्फियर में बिल्कुल पॉसिबल है ये इसीलिए द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर याद रखना ये बात ठीक लेकिन अब साइमटेनियसली अगर रूट्स में देखा जाए रूट्स में इतना थिक क्यूटिकल अगर प्रेजेंट होगा तो रूट को तो बाहर से पानी एब्जॉर्ब करना है ना तो वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएंगी दैट्स क्यूटिकल इज वह इन करा स्टोमेटा स्टोमेटा क्या है सब आप जानते हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्टोमेटा का क्या काम होता है अब आप याद करो ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा था ठीक है इसमें क्या होता है स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन और बाकी गैशियस एक्सचेंज ठीक है क्या होगा इसमें ईच स्टोमेटा स्टोमा इज कंपोज ऑफ टू बीन शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स ऐसे ये होती हैं ये गार्ड सेल्स ऐसे दिखेंगे आपको बीन शेप्ड होती हैं ठीक है नॉर्मली लेकिन इनका शेप कुछ और भी हो सकता है जैसे कि डंबल शेप जो कि मिलेगा ग्रासेस में याद रखना ये पॉइंट ठीक है अब क्या होता है ये जो आउटर वॉल्स हैं ये जो आउटर वॉल है इनकी वो थिन होती है ठीक है ना जो थिन होगी और ये अंदर वाली ये जो है ये 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 होती है काफी थिक इसके कारण से क्या होगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगी इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा अंदर ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा सल्यूट बढ़ जाएगा तो पानी बाहर से अंदर जाने लगेगा है ना है ना एंड होगी इस सेल्स में जिसके कारण से ये स्वेल करेंगी सिंस ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो है बहुत थिक है तो यह उतना स्वेल नहीं करता एंड यह जब स्वेल करेगी तो ऐसे हो जाएगा इसका माउथ ठीक है तो आपने देखा स्टोमेटा कैसे ओपन हो गया यह कंसेप्ट है याद रखना तो आपको पहले बता दिया और इन सेल्स को यह जो है सेल्स इनको हमने पहले बताया था क्या नाम है इनका गार्ड सेल्स इनका काम क्या है क्लोरोप्लास्ट है जिसके कारण से यह फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड एंड विल रेगुलेट द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ठीक है ये देखिए यही कंसेप्ट है यहाँ पे ध्यान रखना ये पॉइंट मत भूलना ठीक इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए और देख लेते हैं द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टूगेदर आर कॉल्ड एज स्टोमेटल एपरेटस याद रखना इस पूरे के पूरे सिस्टम को गार्ड सेल्स हो गया सब्सिडरी सेल्स हो गई ये सबसे सब्सिडरी सेल्स हो गई गार्ड सेल्स हो गई सबको कंबाइन करके हम प्यार से क्या बुलाते हैं स्टोमेटल ठीक अच्छा अब और देखो क्या चीजें होती हैं द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस अ नंबर ऑफ हेयर्स एंड जनरली हेयर्स कहां मिलती हैं रूट हेयर का नाम सुना होगा है ना जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं जिससे एब्जॉर्प्शन पानी का ज्यादा हो सके ठीक है तो देखिए द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन कुछ है नहीं ये ये जो एपिडर्मिस है यही इलांगेट कर जाती है ठीक है ऑफ द सेल्स हेल्प एब्सॉर्ब वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ठीक है तो चलिए हम रूट हेयर्स में अगर हम बोल रहे हैं कि रूट में अगर रूट हेयर्स आ जा रही हैं तो क्या शूट में भी कुछ प्रेजेंट होता है बिल्कुल कॉमन सेंस ये चीज दिमाग में दौड़ रही होगी कि रूट में रूट हेयर्स तो शूट में क्या तो देखिए ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स ठीक तो अब आपसे एग्जाम में यह सवाल बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता कि ट्राइकोम्स कहां मिलते हैं ठीक तो इसका आंसर आप देंगे कि स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स अच्छा इसी का अब एक और चीज आगे हम देखेंगे एक सेकेंड आप एक पॉइंट और देख लो तो अभी उस पर आते हैं द ट्राइकोम्स ट्राइकोम्स यानी कि शूट पे जो हेयर्स हैं इन द शूट सिस्टम आर यूजली मल्टी सेलुलर इंपॉर्टेंट डिफरेंस रूट हेयर में आप यहां देख रहे थे यूनिसेलुलर ठीक है तो मल्टी सेलुलर हो गया शूट सिस्टम वाला रूट सिस्टम वाला जो हो गया था अब तक हमने देखा वो यूनिसेलुलर हेयर थे ठीक है अच्छा दे मे बी ब्रांसड और अनब्रांसड सॉफ्ट और स्टिफ इतने तरीके के वेरिएशन आपने देखे कि ये जो शूट से हेयर निकल रहे थे ये क्या हो सकते हैं इनकी ब्रांचिंग भी हो सकती है ठीक है अनब्रांच भी हो सकते हैं सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं दे मे इवन बी सीक्रेटरी काम इनका मेन टाइट ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वॉटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज हो गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है आई होप कि अब बेसिक एपिडर्मल सिस्टम क्या होता है टिश्यू सिस्टम इसमें क्या चीजें होती हैं क्या है आपके दिमाग में अब एकदम दही की तरह जम गया होगा कोई भी कंफ्यूजन होता है ये हमने एलिमेंट्री चीजें पढ़ी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो बहुत सारे हैं ये तो बस एक शुरुआत थी ठीक है आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि क्या चीजें हैं कैसी होती हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो लव टेन जो कि मेरा रेफरल कोड है इसको यूज़ करके आप अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं मुझसे पर्सनली जुड़ना है मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है तो मैंने टेलीग्राम लिंक अपना नीचे ऐड कर दिया है एल के अन अकेडमी नीट यू जी जहाँ पर आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हो थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में